पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या किस गाने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है, इस बात का खुलासा पुलिस के पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। दरअसल बॉलीवुड की तरह पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री के ज्यादातर युवा सिंगरों के साथ उत्तरी भारत में सक्रिय प्रमुख गैंगस्टर ग्रुप्स के गहरे संबंध है और सिंगरों को वो अपने इशारों पर चलाने की होड़ में रहते हैं। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला द्वारा गाया एक गाना बम्बीहा पोले उनकी हत्या की अहम वजह बनकर सामने आ रहा है। पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में जो खुलासा किया है उससे इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टरवाद पूरी तरह से घर कर चुका है। इसका इस्तेमाल करके गैंगस्टर न सिर्फ लाखों रुपए के एक्सटॉर्शन मनी सिंगरों से वसूलने का काम कर रहे हैं बल्कि उन पर अपने लिए गाने भी गंवाने का निरंतर दबाव बनाते थे। तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ में जहां इस बात का खुलासा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे मुख्य वजह अकाली नेता विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला लेना है, वहीं इसके अलावा और भी ऐसी कई वजह जिसके चलते मूसेवाला उसके गैंग के निशाने पर था। पुलिस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया कि उसकी तरफ से मूसेवाला को बम्बीहा बोले गाना न गाने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद भी मूसेवाला ने न सिर्फ ये गाना गाया बल्कि देश विदेश में इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। असल में बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी काफी पुरानी है। मोगा के रहने वाले देवेंद्र बम्बीहा ने अपराध की दुनिया में महज 4 सालों में न सिर्फ बड़ा नाम बना लिया था बल्कि उसने बिश्नोई गैंग से संबंधित कई सदस्यों की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद से इन दोनों ही गैंग में चल रही दुश्मनी अब तक कई जिंदगियां निकल चुकी हैं। सरपंच रवि ख्वाजके की शादी समारोह के भीतर घुस गोलियां मारकर हत्या करके चर्चा में आए देवेंद्र बम्बीहा ने एक के बाद एक कई हत्याओं को अंजाम दिया जिसे बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था, लेकिन मरने के बाद भी उसका गैंग पंजाब और हरियाणा में निरंतर एक्टिव रहा जिसे अब लकी पटियाल चला रहा है। जब मूसेवाला ने बम्बीहा बोले गाना गाया तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को ऐसा लगा कि उसके गैंग को चिढ़ाने के लिए मूसेवाला ने ऐसा किया है। इसके अलावा भी लॉरेंस की तरफ से सिद्धू मूसेवाला को विरोधी गैंग के समर्थकों द्वारा आयोजित समारोह में जाकर परफॉर्म करने से मना करने की भी चर्चा है। उधर इन बातों को लेकर मूसेवाला और लॉरेंस में चल रही खींचतान ने उस समय गंभीर मोड़ लिया जब अकाली नेता विक्की मिद्दूखेड़ा की 2 शूटरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस की जांच के दौरान सिद्धू के करीबी जिसे उसका मैनेजर कहा जाता है उसका नाम सामने आया था और उसके देश से फरार हो जाने के बाद ये दुश्मनी और भी गहरी हो गई और जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश की प्लान की। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कनाडा में बैठे अपने साथी गोल्डी बराड़ को इसकी जिम्मेदारी दी गई जिसने हिंदू नेता विपिन शर्मा की हत्या के आरोप में जेल में बंद गैंगस्टर सारस मिंटो को पंजाब के 2 शूटरों का इंतजाम करने और उन्हें गाड़ियां मुहैया करवाने के लिए कहा था। इसके अलावा सोनीपत के गैंगस्टर मोनू डागर को 2 शूटरों और उन्हें वाहन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद गोल्डी ने ही मूसेवाला की रेकी करने के लिए केकड़ा जैसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया। इस मामले को सुलझाने के काफी करीब पहुंच चुकी पंजाब पुलिस अब इस बात को जांचने में भी जुटी हुई है कि थोड़े समय में सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले मूसेवाला की कामयाबी से परेशान और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंधित कोई शख्स तो कहीं इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। बहरहाल अभी लॉरेंस बिश्नोई से 22 जून तक पूछताछ की जाएगी। वैसे इस मामले में केस क्रैक करने के लिए पंजाब पुलिस काफी नजदीक तक पहुंच चुकी है। बहरहाल देखना है मौका कि फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होता है। टीम BTF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BTF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।